क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन टफ है, इसका मतलब ये है कि उस चैप्टर में आपकी पकड़ कमजोर है, और यही हमको सीखना है PYQ। तो हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे आप सब लोग, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 के दम का पहला क्वेश्चन पर करने वाले 2011 का, और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकते हैं, और मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, और 30% जो रिड्यूस हुआ हमारे पास, मैंने वो सारे क्वेश्चन कट कर दिया। इसका मतलब ये पूरी वीडियो जो है वो डिस्ट्रक्शन फ्री है, आपको इसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है, वही क्वेश्चन पर फोकस करना जो कि आपको इस बार पूछे जाएंगे, और जो हट चुका है वो मैंने बताया हर क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन रिमूव हो चुका है। अब इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन में डाल दिया, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ के फॉर्म पे भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करूं, तो कमेंट करके बताना, मैं पीडीएफ के फॉर्म पे भी सॉल्यूशन जो है एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दूंगा, और आप वहां से प्रैक्टिस करते समय अपना उसका फायदा उठा सकते हो। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, सारे उन दोस्तों को शेयर करना जो कि 10th में है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये उसका उत्तरदायित्व कि एटलीस्ट 5-6 बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये इतने सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही, तो आपके माध्यम से उनका भी भला हो सकता है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके बाद वो कौन सी आएगी, 2012 की वीडियो आएगी। इसी तरह से हम लोग पूरे के पूरे लास्ट 10 ईयर को हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए इस ज्ञानी कीड़ा के सफर में, ताकि 10th में हम लोग इस बार धुआं उड़ा सके। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर कौन सा है, 2011 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। ये कुछ इलस्ट्रेशन है, फॉर्मेलिटी पढ़ लेते फटाफट से, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज तो। और ऑल क्वेश्चन आर कम्प्लीट, देखो जब भी वीडियो को देखो ना तो पूरा एंड तक देखना, तभी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसा ना कि तोड़ तोड़ के देखो, पूरा 1.5 घंटा बैठो लगातार पूरी वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन आया पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नया वीडियो को देखो, ऐसे नहीं बस 10 क्वेश्चन पर कर लो फिर देखो क्या मतलब आग लगा गया होगा। तो इस बात तो मतलब पक्का 4 मई तक वैसे टाइम मिल चुका है, खूब मजा आएगा आपको, देख लेना। और 34 क्वेश्चन पहले हुआ करते थे, 4 पोर्शन डिवाइड ए बी सी और डी पे, ठीक है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के, और बी में 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और सी में 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स से होते थे, और डी में 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स से होते थे। कैलकुलेटर जो है इस्तेमाल करना वर्जित है, नहीं कर सकते हम लोग। फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर करें। सेक्शन है हमारे पास, ये चीज और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क्स, 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के आएंगे, और जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई 1 ऑप्शन क्लिक करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - mm + 3 = 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो रूट्स निकालेंगे, बेसिकली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, दोनों से कर सकते हो। लेकिन जिस तरह में ऐसे क्वेश्चन होना, m हो, p हो, q हो, कांस्टेंट दे रखे हो, तो फिर यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, बहुत जल्दी चीजें हो जाती है, ठीक है, वैसे ही करा करो ना। देखो तो पता है x² - 3x - m × m + 3 ये होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम अगर मैं कंपेयर करूं ax² + bx + c = 0 से, तो a कितना आएगा, a आएगा 1, b कितना आएगा -3, और c कितना आएगा हमारे पास -m × m + 3 निकल के आ जाएगा, क्लियर है तक, ठीक है। आपको तो d क्या होता है, d निकालना पड़ता है, वो होता है b² - 4ac होता है। b कितना रखा है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 into a कितना हमारे पास 1 into c कितना हमारे पास -m × m + 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 9 - 4 - प्लस हो गया 4m × m + 3 हो जाएगा, जो करेंगे कितना आएगा 9 + 4m² + 12m निकल के आ गया। इसको अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 4m² + 9 + 12m, और ये क्या बन जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 2m², ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 2 × 2m × 3, तो ये हो गया क्या, ये बन गया a + b² तो 2m + 3² निकल के आएगा d की वैल्यू। बोलो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, अब करना एंजॉय, हमें पता है रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स इक्वल टू होता है -b + √d/2a होता है, यही होता है। तो x इक्वल -b कितना जी, b निकालो -3 है, तो -+3 हो जाएगा, और +√ में हो जाएगा कितना 2m + 3² / 2a, 2 × a कितना हमारे पास a है 1, जाएगा x इक्वल टू जाएगा 3 + √ से रूट खत्म हो गया, तो निकल के आएगा हमारे पास 2m + 3/2। एक बार कर लेंगे प्लस में, एक बार माइनस, और आंसर आ जाएगा। तो प्लस में करते हैं 3 + 2m + 3/2, जो कि निकल गया x इक्वल हो गया कितना 3, 3 6 हो गया,
तो 2m प्लस में 6 अपॉन पे 2 जो कि निकल के आ गया, 2 कॉमन काटेंगे तो आएगा m प्लस में 3 निकल के आ गया, ये आ गया पहला रूट m प्लस में 3। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस के लिए जो एक काम करते हैं यहाँ पर लेते हैं, तो x इक्वल टू हो गया कितना 3 माइनस में 2m माइनस में 3 अपॉन पे 2, इससे ये खत्म हो गया, तो x कितना निकल के आ गया माइनस का m जो है x के लिए निकल के आ गई, रूट है माइनस का m और m प्लस में 3, जो कि है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको टिक करते हैं आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें m होते हैं, p होते हैं, q होते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना इस वाले फार्मूला का, और मिडिल टर्म स्पीड से भी हो जाता है लेकिन इसका करना टाइम बचेगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। If the common difference of AP is 3, अगर हमें किसी भी AP का common difference देखा कितना 3, then A20 minus A15 क्या होगा? A20 का मतलब क्या होता है? हमें निकाला A20 minus A15. A20 होता है A plus में 19D और A15 क्या होता है? A plus में 14D होता है, ठीक है? क्या गया? A plus में 19D minus में A minus का 14D, ऐसे ही खत्म हो गया, 19 में से 14 का कितना आएगा? 5D आ गया, D के लिए कितने रखे हमें 3 दे रखी है, 5 3 15, जो कि हो गया ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये O सेंटर दे रखा है, PQ इज अ कॉर्ड, PQ कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, PT इज टेंजेंट, और PT जो है वो टेंजेंट है TP पॉइंट पर, और POQ 70 दे रखा है, POQ ये वाला एंगल कितना रखा है 70 डिग्री दे रखा है, तो TPQ ये वाला एंगल हमें निकालना कितना होगा। देखो ये वाला जो एंगल होता ना, अभी बताया था कितना होगा, देखो ध्यान से, पहले मैं ये निकालें, आपको इतना तो पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम रेडियस से सेंटर को जोड़ते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का, क्या बनता है 90 डिग्री एंगल बनता है, तो लिख लेते हैं एंगल ओपीटी कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों? आपको पता है थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ते तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये होता है, ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। ओके, इसका मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे में से ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूंगा, इसे एक्स मान लेते हैं और इसे ये एक्स होगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल टी पी क्यू जो हम निकालेंगे टी पी क्यू क्या होगा, वो 90 माइनस में एक्स होने वाला। चलो अब आ जाओ आपको समझा तो करना कैसे, क्लियर यहां तक? ओके, अब सुन ध्यान से, हमारे पास क्या है, देखो अगर ये क्या, ये रेडियस है, ये भी क्या रेडियस है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल कौन सा POQ के अंदर बात करें तो OP इक्वल टू OQ दे रखा है, क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस है तो रेडियस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा था इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल होते हैं, ये x तो भी कितना होगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि OP इक्वल टू OQ इक्वल कितना आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल कौन सा POQ के अंदर बात करते हैं, तो x प्लस में एंगल O कितना है 70 डिग्री, कितना निकल के आएगा 180 निकल के आ जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस में 70, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 110 डिग्री, तो 2x इक्वल कितना आ गया 110 अपॉन पे 2, तो x निकल गया कितना 55 डिग्री निकल के आ जाएगा, और यहां से माइनस कर देंगे एंगल TPQ इक्वल टू 90 माइनस में 55, और 90 में 55 कितना 35 डिग्री निकल के आएगा, ये आप याद रख सकते हो, और अगर ये भी याद रखने का मन ना हो तो सीधा याद कर लो, हमेशा इसका जो है वो आधा होता है, ठीक है, तो ये कितना निकल 35 डिग्री निकल के आएगा, आप इस तरह से याद रख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। करा इन गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट, AB भी टेंजेंट है, AC भी टेंजेंट है, ठीक है, तो सर्कल BAC 40 दे रखा है, तो देन BOC अभी ये वाला एंगल निकाला कितना डिग्री का होगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल, देखो आपको अगर मैं बात करूं यहां पर इन कोऑर्डिनेटरल कौन सा ABOC में अगर बात करूं तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल O प्लस में एंगल C कितना हो जाएगा, वो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 360 डिग्री होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट का सम कितना 360 होता है, A कितना है 40 डिग्री है, B कितना हो गया यहां पर 90 डिग्री हो गया, O कितना हो गया यहां पर निकालना है, एंगल O को भी O से लिख सकते हैं, एंगल C कितना हो गया वो भी 90 डिग्री होगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 तो 90 कितना हो गया 180 है ना, 180 प्लस 40 तो एंगल BOC प्लस में कितना हो गया 180 प्लस में 40 कितने होते हैं 220 इक्वल टू कितना हो गया 360 निकल गया, एंगल BOC इक्वल टू जाएगा 360 माइनस में 220 तो एंगल BOC निकल गया कितना 140 डिग्री निकल के आ गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या याद रख सकते हो आप, ये वाला जो एंगल होता है और ये जो होता है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, डायरेक्ट याद सकते हो एंगल A प्लस में एंगल O हमेशा 180 डिग्री निकल के आता है, तो अगर एंगल A 40 दे रखा है तो एंगल O जो कि BOC है तो एंगल BOC अगर हमें निकालना है डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एक मार्क्स में, तो एंगल BOC हो जाएगा 180 माइनस में 40 तो ये एंगल BOC कितना निकल गया 40 140 डिग्री निकल के आ जाएगा, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लियर है तक?
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव की, आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा था पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल, सर्कल देखो दो वर्ड है, तो सर्कमस्क्राइबिंग एक इनस्क्राइबिंग होता है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है उसके अंदर सर्कल है, अगर मैं बोलूं स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब क्या है स्क्वायर के अंदर सर्कल है, और इनस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है उसके बाहर है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है बच्चे, रेडियस दे रखा है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक रेडियस कितना रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, और पैरामीटर निकालेंगे इसका स्क्वायर का, अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई बताओ, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड निकालनी पड़ेगी, अभी निकाल लेते हैं, अच्छा ये पूरा अगर ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा, जितना डायमीटर कितना 2 है वही तो साइड होगी, ठीक है, तो डायमीटर कितना होगा, ये साइड कितनी 2 निकल के आ गई, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया हमारे पास, वो जाएगा एच ए निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर का है, ए इज द राइट आंसर, क्लियर है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एच 4.2, देखो ये क्यूब जो ना एच दे रखा कितना 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से लार्जेस्ट कोन कौन सा होगा, देखो लार्जेस्ट कोन वही होगा, मान के चलो हमारे पास ये है, ठीक है, ये नीचे का बेस है, ठीक है, क्यूब का, और जो कोन है वो लार्जेस्ट कब होगा, बेस होगा, सर्कुलर बेस होगा वो इसके कोने कोने को टच करे, है ना, अगर आप ये क्या है साइड है किसका, क्यूब का, ठीक है, और इसको मेरे को मैक्सिमम चाहिए, देखो छोटा तो ये और छोटा हो गया, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कौन सा होगा जो कि इसको पूरा टच कर रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा उसका जो डायमीटर होगा वो क्यूब के एच के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो अगर डायमीटर हो रखा 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस पूछा था उसने कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर का आधा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा इसका ये चीज, ठीक है, मैक्सिमम कौन सा होगा, डायमीटर कितना होना चाहिए इसका 4.2 होगा, तो ये मैक्सिमम निकल के आएगा, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक टावर जो है ए बी टावर है, ठीक है, ग्राउंड के, ये ग्राउंड है इसके ऊपर खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से 25 मीटर दूर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट मानो सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और इस पॉइंट से यहाँ टॉप ऑफ टावर का जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री फाइंड आउट किया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ए बी निकालना, तो सिंपल है ए बी अपॉन पे बी सी, पी अपॉन बी क्या होता है 10, तो आएगा एंगल कितना 10 45 डिग्री, ए बी हमें निकालना है और बी सी कितना रखा है 25, 10 45 कितना होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी कितना आ गया, वो आ गया 25 मीटर ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये समझ लो अगर आपने एग्जाम्पल कर रखी है ना तो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल से मिल जाएंगे, एज इट इज पहले भी एग्जाम्पल से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करना एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और जो बच्चे को जोगे वो एनसीईआरटी मिल जाएंगे, ठीक है, कह रहा है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट के हमारे पास बी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है इसका मिड पॉइंट है, ये रहा पी, ठीक है, और पी दे रखा है ए अपॉन पे 2.4 और ए दे रखा है माइनस का 6.5, ठीक है, और बी दे रखा है माइनस का 2.3 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्या हमें वैल्यू बताने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, जब भी मिड पॉइंट होता है आपको पता है ये हमारे पास x1 होता है, ये क्या होता है y1 होता है, ये x है और ये y है, ये होता है x2 और ये होता है y2, जब भी मिड पॉइंट होता है ये तो हमें पता है x क्या होता है, x होता है क्या कहते हैं x1 प्लस में x2 अपॉन पे 2, यही तो होता है, तो x कितना रखा है a/2 हो गया, तो a/2 हो गया इक्वल टू x1 कितना है माइनस का 6 हो गया, प्लस में x2 कितना है माइनस का 2 हो गया, अपॉन पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इक्वल कितना हो गया माइनस का 6 माइनस का 2 जो कि हो गया माइनस का 8 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस देन द डिस्टेंस ऑफ 2ab क्या होगा, ओके a दे रखा कितना है माइनस का 6.7 दे रखा है और b कितना रखा है माइनस का 1.5 दे रखा है, ठीक है, अब इन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस का डबल हमें 2ab निकालता है, पहले ab निकालते हैं, ab कितना आएगा, ab हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ab निकल के आ गया, देखो ध्यान से हमारे पास ये क्या हो गया, पहला x1 हो जाता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है, तो ये जगह वहां पर रूट में और y2 कितना है माइनस का 5 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में ये जगह कितना माइनस का 1 और प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब, ऑलरेडी माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ए बी निकल के आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 12 का स्क्वायर
और प्लस में जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144 प्लस में 25, तो आ गया ए भी निकल के आया कितना रूट में 169 और वो कितना होता है 13 निकल के आ गया, 13 रूट निकल के आ गया हमारे पास क्या ए बी, हमसे पूछा 2AB, तो 2AB का मतलब कितना हो गया 2 × 13 वो हो गया कितना 26 यूनिट निकल के आ गया, ढूंढ हो रहे 26, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो उससे पहले जान से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चले और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज स्टार्ट की है मैंने, तो हर बच्चों का फायदा हो, हर घर तक ये वीडियो पहुंचे और हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके, क्योंकि अभी भी ऐसा हो रहा है बहुत सारे बच्चों तक जो है ये रीच नहीं पहुंच पा रही ज्ञान क्रीड़ा के बारे में, तो जो बच्चे देख रहे हैं उनका उत्तरदायित्व है कि जो भी वीडियो है एटलीस्ट कम से कम अपने 5-6 दोस्तों को देखने के बाद ही फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनका भी फायदा हो सके और वीडियो जो है शेयर हो सके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 ये रहा स्क्रीन के ऊपर, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, ए इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी में निकालनी, ठीक है। तो आपको पता टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल बहुत है 52 पत्ते, और इक्के कितने होते हैं एस होते हैं हमारे पास कितने 4, एक एस होता है, ठीक है, तो नॉट एस, जो एस नहीं है वो कितने हो गए 52 माइनस में 4 इक्वल कितना हो गया 48 निकल के आ गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगी 48 अपॉन टोटल होता है 52, तो हो जाएगा 68 जा 40 नहीं गलत बात 41 जा 44 2 जा 413 जा 12 अपॉन 13 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में से इज द राइट आंसर। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाओ सेक्शन बी हम लोग का स्टार्ट हो गया है, तो 10 क्वेश्चन देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन तरीके से हमने कर लिए हैं, जिन बच्चों ने ईमानदारी से सारी सीरीज को फॉलो किया ना एनसीईआरटी फॉर एग्जांपलर, मैं बता रहा हूँ 10 ईयर्स के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, और 10 ईयर क्या जो पेपर देने जाएगा ना वो भी उसके लिए कुछ नहीं लगेगा, एकदम कहते हैं धुआं धुआं सा कुछ है ही नहीं, देखते हैं अपने हाथ चलेंगे, बस क्या शर्त क्या है जो चीजें बताई उसे कर लेना भाई, है ना, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आलस को त्याग कर इसे कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चलिए तो अब आपस क्या है 11 से लेकर 18 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास होने वाले हैं, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एम शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two equal roots, अच्छा equal roots होते हैं, equal roots हमें पता है equal roots तभी होता है जब उसका nature d discriminant की जो value होती है वो 0 हो जाए, मतलब क्या है b square minus 4ac की value 0 होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग equal roots होना, ठीक है। अब ये equation दे रखी है, इसको multiply करेंगे आएगा mx का square minus में 7mx आएगा plus में 49 equal to 0 निकल के आएगा, अगर मैं इसे compare करूं ax square plus bx plus c से, अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, तो ए के लिए निकल गया कितनी एम, बी कितना निकल गया हमारे माइनस का 7m, सी कितना निकल के आ गया 49 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से बी स्क्वायर तो माइनस 7m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू ए कितना हो गया m इंटू सी कितना हो गया 49 निकल के आ गया इक्वल टू 0, ये हो गया 49m स्क्वायर और माइनस में 4 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन बड़ा इजी करने की कोशिश करो, देखो यहाँ पर 49m है यहाँ पर 49 है, तो कॉमन कर लूंगा पहले मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कॉमन करेंगे पहले, तो 49m कॉमन करूंगा तो बचेगा m माइनस में 49m गया बचा 4 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब हो गया काम, एक बार 49m इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार m माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से m के लिए कितने आ गए 0 निकल के आ गया और यहाँ से m कितना आ गया 4 निकल के आ गया, देखो m 0 हो नहीं सकता, अगर m 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 49 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब m 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू निकल के आई क्या आएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m निकल के आ गया 4, केवल 4 इज द आंसर, क्लियर यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, कितने ऐसे दो डिजिट के नंबर होंगे जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एपी का क्वेश्चन है, पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी, तो पहला टू डिजिट नंबर कहां शुरू होता है, देखो टू डिजिट नंबर जो है वो कहां शुरू होते हैं 10 से होते हैं, 10, 12, 10, 11, 12 टू डिजिट नंबर है और जाता 99 तक, ठीक है, और 100 से शुरू होता है 3 डिजिट नंबर, तो पहला टू डिजिट नंबर होता है 12 जो कि 6 से डिवाइड होता है, ठीक है एपी बना रहा हूं मैं, ठीक है 12 क्या आएगा 12 के बाद निकल के आएगा आपका 18, ठीक है उसके आएगा 24, इस तरह हमारी एपी चलेगी, लास्ट नंबर चेक करना है 99 तो डिवाइड होगा नहीं डिवाइड हो जाएगा 96 डिवाइड हो जाएगा आखिरी नंबर, तो 6 × 6 = 3 है 96 होगा लास्ट नंबर, तो 96 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्या एपी, सब बच्चों को आता है ये, तो यहां पर थोड़ा टाइम पास हो गया, देखो ये कभी-कभी ना पेपर में क्या होता है ना अपने आप को ठंडा रखना एकदम ना कॉन्शियसनेस में होना अपना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है ना छोटी चीजें दिमाग से मिस हो जाती है। चलो ये ए कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है हमसे पूछा हाउ मेनी मतलब एन निकालना है, डी कितना हो गया 18 − 12 = 6 हो गया, ए एन दे रखा है कितना 96 हो गया, ठीक है एन हम लोग को निकालना है,
हमें पता है ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस में एन माइनस से वन मल्टीप्लाई डी होता है। ए एन की दे रखा है, ए एन देखा 96 इक्वल टू ए कितना हो गया 12 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी कितना देखा है, डी देखा 6। 96 माइनस में 12 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई 6। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 अपॉन 6 इक्वल कितना आ गया एन माइनस वन। 6 वन जा 6 और बचा कितना 2, 6 4 6 वे 24 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन। तो 14 प्लस में 1 इक्वल टू कितना जाएगा 15। तो एन के लिए कितनी निकल के आ गई, 15 निकल के आ जाएगी। चेक कर लो, 6 वन जा 6 बचा 2, 6 4 जा 24, ठीक है एन कितना आ गया 15 निकल के आ गया। तो 15 नंबर जो होंगे वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अ सर्कल जो है वो चार साइड टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ओके। और एरिया में निकालना, देखो इस क्वेश्चन जो है ना आपको, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान दिया होगा ना, देखो इसमें क्या होता है, आप याद रख सकते हो, मैं आपको बताऊं क्यों। ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू होता है ए डी प्लस में बी सी, ये अपोजिट साइड का सम ना बराबर होता है इस केस में। ये प्रूफ भी है आपके सर्कल्स में, सेकंड एक्सरसाइज में प्रूफ भी पूछा था, कैसे होता है मैं जल्दी से प्रूफ कराता हूँ। इसमें मतलब पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, एस मान लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सब टेंजेंट है, सबकी लेंथ इक्वल होगी, तो हमें पता है कि ए पी इक्वल टू कितना देगा, ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा इक्वेशन वन मान लो, ठीक है। ऐसे में बस क्या बोलेंगे, बी पी इक्वल टू क्या देगा, बी क्यू हो जाएगा इक्वेशन वन में टू मान लिया, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे में बस क्या, आर सी इक्वल हो जाएगा इसके सी क्यू के, तो आर सी इक्वल हो जाएगा इसके सी क्यू के, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड हो गया। ऐसे में बस क्या, डी आर इक्वल हो गया डी एस के, तो डी आर इक्वल होगा किसके, डी एस के, ये देगा कितना, फोर्थ पॉइंट। एडिंग कर लो, हमने बोला एडिंग, एडिंग वन, ठीक है, टू और थ्री एंड फोर, चारों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, क्या बन गया, ये बन गया ए पी प्लस में बी पी प्लस में आर सी प्लस में डी आर इक्वल टू बन गया ए एस प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू और प्लस में बन गया डी एस, ठीक है। अभी ए पी बी पी क्या बना, ए पी और बी पी बना, ए बी बन गया, तो लिख दिया यहाँ पर क्या, ए बी प्लस में आर सी डी आर, आर सी डी आर क्या बन गया, सी डी बन गया, ठीक है। इक्वल टू ए एस के साथ डी एस ले लो, ए एस और डी एस कितना बन गया, ए डी बन गया, ठीक है। और प्लस में बी क्यू सी क्यू कितना बन गया, बी क्यू सी क्यू बन गया बी सी, प्लस में क्या बन गया बी सी। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये चीज काम आएगा आपके। तो लोग वैल्यू, इसी वैल्यू पुट करनी है, अब करके निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए बी कितना रखा है, ए बी दे रखा है हम लोग को 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी डी कितना हमारे पास, सी डी रखा है 8 सेंटीमीटर, ओके। और ए डी दे रखा कितना, हमें ए डी निकालना, प्लस में बी सी कितना, 9 दे रखा है, तो 14 और माइनस में 9 इक्वल टू आएगा ए डी, और ए डी यहाँ से निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर, राइट, 5 निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट दिस, आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना होगा, इसे करते हैं पेपर और पेन के हिसाब से। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, हमें एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, ठीक है। इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूजिंग रूलर एंड कंपास फाइंड अ पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट ए पी अपॉन पे ए बी इज इक्वल टू रहेगा 3 अपॉन पे 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो फटाफट से बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है 7 सेंटीमीटर की, तो फटाफट से एक लाइन खींचते हैं, और ये पुराने दिन वापस आ गया ऐसा लग रहा है मेरे को और ये हमने खींचा 7 सेंटीमीटर, बीच में कर देना, वैसे मज़ा ही कुछ और था पहले ना से पढ़ाने का, अच्छा लग रहा है मेरे को। तो 7 सेंटीमीटर, किन किन बच्चों ने ये वाला आनंद लिया हुआ पहले वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ये पॉइंट नाम देंगे ए, ठीक है, और ये वाला नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे बी नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, एक पॉइंट पी है बीच में और वो इस तरह से आया है, यहाँ पर रेशियो दे रखा है इन्होंने, क्या इन्होंने बोला कि ए पी अपॉन पे ए बी इक्वल दे रखा है 3 अपॉन पे 5, ठीक है। इसको देख क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बी कितना है हमारे पास, 5 है। अगर यहाँ पर नॉर्मल देखें, मैं ए पी बोल सकता हूँ कितना है, 3 है, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, और ए बी कितना हमारे पास, 5 हो गया। तो अगर पी पॉइंट मान चलो, कोई पी पॉइंट बीच में आ रहा है, पी पॉइंट बीच में आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ रेशियो डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर ए पी, ए पी अगर 3 है और टोटल 5 है, तो कितना होगा ये, 2 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए पी रेशियो बी पी जो होगा कितना आएगा, वो 3:2 निकल के आएगा, ये रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो हमें 3:2 में डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कोई सभी एक्यूट एंगल को हम लोग यहां पर खींच देंगे। तो मान लो हमने ये वाला एक्यूट एंगल यहां पर खींच दिया इस तरह से,
ठीक है, कोई भी एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एम, ये हमारे पास क्या होता है, ये एम वन होता है, ठीक है, और ये होता है हमारे पास कितना, ये एम टू होता है। तो कितने आर्क मारते हैं हम लोग, एम वन प्लस में एम टू जो है उतने आर्क मारते हैं, मतलब फाइव हम लोगों ने टोटल आर्क यहाँ पर मारने हैं, ठीक है। तो पांच आर्क हम लोग यहाँ पर मारेंगे, तो हो जाएगा ये वन, ठीक है, ये जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, और ये फोर, और ये फाइव। तो हमने कितने आर्क मार दिए, हमने पांच आर्क हमने यहाँ पर मार दिया, और नाम दे देंगे इसे ए वन, ठीक है, इसे ए टू नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे ए थ्री, ठीक है, और इसे नाम देंगे ए फोर, और ये नाम दे देंगे हमने कितना, ए फाइव हमने नाम दे दिया, ठीक है, इससे कम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को फिर जोड़ देते हैं, ए फाइव को बी से जोड़ना होता है, सबको आता ही है ये, तो इसको हमने इस तरह से जोड़ देंगे, ये लो जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने क्या करना है हम लोगों ने इसमें, कि जो पहला M1 है कितना हुआ, थ्री है, इसका मतलब हमने वन टू थ्री में से इसके जैसा एक पैरेलल लाइन को यहां से ड्रॉ करना, और हमारा काम बन गया। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना कहां से, थ्री से, और किसके पैरेलल बनाना है, फाइव के। तो देखो कैसे करते हैं, तो पैरेलल लाइन के लिए आप क्या करोगे, कोई सा फाइव ने एक आर्क मान लो इस तरह से, ये हमने आर्क मान लिया इस तरह से, कोई सा आर्क मान लो, और बिना इसको हिलाए आपने क्या करना, वही आर्क मारना है थ्री वाले से, तो ये थ्री से हमने वही आर्क मार दिया सेम बिना कंपास को हिलाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली की लेंथ को नाप लेना है, इसकी लंबाई नाप लोगे आप इस तरह से, इतना हो गया, और यहां पर रख के मार दोगे उतने का आर्क बिना हिलाए इस तरह से, ठीक है। तो अपना काम बन चुका है, अब यहां से हम लाइन खींच देंगे ये इस तरह के से, ये ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी यहां पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा पी, और रेशियो कैसा होगा, ये थ्री रेशियो टू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपने ये ध्यान रखना है, और खास बात ये ध्यान रखना कि ये टोटल ए भी दे रखा था, ये नहीं कि थ्री रेशियो फाइव और आपने आठ वो खींच दी लाइन को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, पहले आपने क्या करना है, ये रेशियो और ये निकलना चाहिए। तो ए पी और बी पी हमने पहले निकाला थ्री रेशियो टू, फिर उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 15। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हमें क्या निकाला है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, पैरामीटर निकाला है शेडेड रीजन की, मतलब देखो शेडेड रीजन क्या है, ये सारा। तो मतलब अगर मैं यहाँ चलना स्टार्ट करूं तो ये यहाँ से ये, और फिर ये पोर्शन, ठीक है, और फिर ये पोर्शन, और फिर ये पूरा पोर्शन, ये पूरा निकालना, ये पूरी लेंथ निकालनी मेरे को, मतलब ए डी पी सी बी पी ए, ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर जो होगा हमारे पास वो क्या निकल के आएगा, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा, अगर ए चलना स्टार्ट, तो ए डी फिर पी फिर सी फिर बी फिर पी ए, ये निकल गया, ये लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, ए डी पी सी बी। अब कैसे निकालेंगे वो देखो, इतना क्लियर हो कैसे ये करना है, अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, अब देखो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तोड़ तोड़ के निकाल दो। देखो एडी कितना रेखा है, देखा 14 सेंटीमीटर, तो एडी हो गया 14 सेंटीमीटर, सीबी भी कितना देगा, बीसी भी 14 सेंटीमीटर देगा। अब ये तो हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया, ये निकाल लेते हैं और ये निकालते हैं। अब ये क्या, ये सेमी सर्कल है, ये भी क्या सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, फिर इस वाले सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस, और प्लस में ये वाली साइड, और प्लस वाली साइड, हमारा काम बन गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको तोड़ लेते हैं कि ये देगा कि लेंथ, लेंथ कौन सी, डीपीसी, डीपीसी वाली लेंथ, ठीक है, और कौन सी ले जाएंगी प्लस में, लेंथ कौन सी, एपीबी वाली, एपीबी, और फिर प्लस में ए डी, और प्लस में बी सी, ठीक है, काम बन गया, ओके। अब ये क्या सेमी सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर, है ना, पाई आर होता है, और इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो पाई आर मतलब पाई इंटू 7, और प्लस में वो ये भी कितना जाएगा, पाई इंटू 7, ठीक है, और ये कितना जाएगा, 14 है, वो 14 है, प्लस में 14, और प्लस में 14, हो गया भैया, इतना ही करना था, ठीक है। तो हो जाएगा पाई के लिए कितनी, 22 अपॉन बाय 7 मल्टीप्लाई 7, और प्लस में 22 अपॉन बाय 7 मल्टीप्लाई 7, प्लस में कितना होगा, 28 हो जाएगा, 7 7 खत्म हो कितना आएगा, 22 निकल के आ गया, प्लस में इसे खत्म हो गया, 22 निकल के आ गया, प्लस में 28 आ गया, तो हो जाएगा कितना, 22 प्लस में
50 और आगे 72 जो है सेंटीमीटर निकल के आ गया इसका पेरीमीटर निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 72 सेंटीमीटर जो है इसका क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। तो ध्यान रखना कहीं एकदम रफ्तार रफ्तार में क्या होगा ना, कभी क्या होता है ये डायग्राम पे मैक्सिमम शेड डिविजन पूछता है लेकिन यहाँ पर पैरामीटर पूछा है तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर शेड डिविजन निकालते हैं और कर चलते बाद में देखते हैं अरे अरे इसमें पैरामीटर फाइंड आउट करना था, यहाँ पर एरिया ऑफ शेड डिविजन है, यहाँ पर पैरामीटर ऑफ शेड डिविजन इसका खास ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27, ये इसका वॉल्यूम कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंट एंड टू एंड फ्रॉम टू फॉर्म अ सॉलिड, दोनों इस तरह जुड़े हुए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में पहले साइड निकालनी पड़ती है और नया जो क्यूबॉइड बना उसका सर्फेस एरिया निकालना, ठीक है। तो आपको पता है सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है हमारे पास कितना होता है, टू मल्टीप्लाई में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये होता है। तो हमें इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट निकालनी पड़ेगी। तो पहले क्यूब के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे, हमें पता है क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा कितना 27, मान लेते हैं इसका एज ए है, ठीक है ए मान लिया, तो ए क्यूब होता है 27 हो गया, ए क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्या निकल के आएगा ये क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3, तो ए निकल के आ कितना 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ तो लेंथ निकल गया कितनी 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ब्रेथ में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं, वो भी आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। क्या हाइट में कोई चेंज आया, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, वो भी 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलिए फॉर्मूले पुट करते हैं, फटाफट से आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास क्या 2 × lb, तो 6 × 3 प्लस बी एच 3 × 3 प्लस में एच एल 3 × 6 हो जाएगा। 6 × 18 3 × 9 6 × 18 18 18 36 और 36 और 9 कितने होते हैं 45, 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द आंसर। तो ये बहुत ही नकली क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो 45 2 4 ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल में पूछा है ऐसा क्वेश्चन, देख लेना एग्जाम्पल का आपको मिल जाएगा। 18 18 कितना 36 36 9, चेक लेना, ठीक है। इसमें और में क्वेश्चन दे रखा है तो उसको और पार्ट देख लेते हैं। और पार्ट में कह रहा है कि अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, एक कोन है हमारे पास बना लेते हैं, इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखा है और बेस दे रखा है कितना, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, चिकनी मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इसको जो है वो क्या कर दे एक स्फीयर में कन्वर्ट कर रहा है, इस पर एक 3D फिगर ध्यान रखना, सर्कल में समझना, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ओके। जब भी ऐसा कन्वर्जन होता है तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था वॉल्यूम सेम होता है, जब भी रिकास्ट करते हैं रिफॉर्म करते हैं वॉल्यूम दोनों क्या होता है सेम होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ क्या हो? कौन क्या होगा, किसके बराबर होगा, इक्वल टू जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, क्लियर है तक। तो वॉल्यूम कौन क्या होता है 1/3 πr² आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और वॉल्यूम स्पेयर क्या हो गया होता है 4/3 π बड़े आर का क्यूब होता है, ठीक है। तो हम पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके, ठीक है, 3 से 3 गया, आर स्क्वायर आर कितना 5, तो 5 × 5 × h कितना हो गया 20 इक्वल टू 4 × r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से खत्म 4 × 5 = 20, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 5 × 5 × 5, तो आर आ गया क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 × 5, 3 में से एक बाहर आ गया, तो आर आर कितना 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं हुआ भी, क्योंकि हमने डायमीटर पूछा था, हमने रेडियस निकाला है, तो डायमीटर होता है 12 ऑफ रेडियस, तो 2 × 5 हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। करें फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट। ए हमारे पास पॉइंट है 3, −1, ठीक है, और एक पॉइंट और है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया 11, y, ये भी आपकी तो सारे एनसीईआरटी का ही है, और डिस्टेंस देगा 10 यूनिट, मतलब ए बी दे रखा कितना 10 यूनिट, और ए बी क्या होता है, ए बी का मतलब होता है डिस्टेंस, हम लगाएंगे यहाँ पर क्या होता है भैया y2 − y1² और प्लस में क्या होता है x2 − x1² इक्वल टू 10 दे रखा है, सही है। अब रूट में y2 − y1 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, तो y − −1 तो क्योंकि +1 y + 1² और प्लस में 11 − 3² इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब ये रूट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं स्क्वायर करने वाले हैं, तो क्या होगा स्क्वायर करने से ये हो जाएगा हमारे पास, तो रूट हट जाएगा y + 1² और प्लस में 11 में 3 गए 8 ना,
8 का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 100 है ना। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab और इक्वल प्लस में 64 इक्वल हो जाएगा 100 ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस में 65 प्लस में 2y इक्वल कितना हो गया 100 हो गया। इधर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 2y और प्लस में 65 माइनस में 100 इक्वल टू 0 कितना है 35 ना। तो y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 35 इक्वल टू 0 ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दो तरीके हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई करने माइनस का 35 ठीक है और 2 आना चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और 7 माइनस में 5 हो गया। तो y का स्क्वायर प्लस में 7y माइनस में 5y माइनस में 35 इक्वल टू 0। y कॉमन करेंगे तो कितना आएगा y प्लस में 7 आएगा, माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो आएगा y प्लस में 7 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो y प्लस में 7 एक तरफ करेंगे और y माइनस में 5 एक तरफ इक्वल टू कितना 0। तो एक बार यहां से y आ गया कितना माइनस का 7 और यहां से y कितना आ गया प्लस का 5। तो y की दो वैल्यू आ गई माइनस 7 और 5 जो है हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 टू 40, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 40 नंबर टिकट उसके ऊपर लिखे हुए हैं ठीक है, 5 का मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ 5 नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 कितने कौन कौन से होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हमारे पास हो गए जी ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बड़ा आसान निकाल दिया हमने। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 कितने 8 टोटल कितने हो गए 40 तो कितना आ गया 1/5 निकल के ठीक है। अब हम चलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत नकली होते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब सेक्शन नंबर सी हमारे पास निकल के आ गया और क्वेश्चन नंबर 19-28 तीन मार्क्स हमारे पास कैरी करेंगे। तो अब सेक्शन सी की बारी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 3√5x प्लस में 10 इक्वल टू 0 ठीक है। तो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक के यहाँ पर रूट्स निकालें, बहुत सिंपल है। आपको पता अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से, तो मैं आपसे पूछो तो ए बी सी के वाले बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर इज वेरी सिंपल। ए हो गया कितना 1 हो गया ठीक है, बी कितना दिख रहा है आपको माइनस का 3√5 दिख रहा है और सी कितना हो गया सी दिख रहा है 110 ठीक है। तो आपको आता है डी निकाल देना, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है ठीक है, बी स्क्वायर मतलब माइनस 3√5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना हो गया 10 हो गया ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर चलो आपको कर देता हूं 9 हो गया, 9 5 45 ठीक है और माइनस में कितना हो गया 4 10 जा 40 निकल गया कितना 5 निकल के आ गया डी, डी 5 अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो क्या आएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग निकल के आएंगे डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आएंगे ठीक है। चलो अब हम निकाल रूट्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, हम पता है x फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में क्या होता है 2a होता है, x इक्वल माइनस का b माइनस का हो गया फिर ये माइनस में ये तो माइनस में प्लस हो गया 3 रूट में 5 ठीक है और प्लस माइनस में क्या आएगा ये रूट 5 अपॉन में 2a, 2a a कितना 1 2 1 कितना होगा 2 निकल के आएगा ठीक है। तो ये निकल के आ गया पास x इक्वल टू हो गया 3√5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन पे 2 निकल के आ गया। तो एक बार प्लस में ले लेंगे तो 3√5 प्लस में रूट 5 अपॉन पे 2 और एक बार ये वैल्यू को हम लेंगे नेगेटिव 3√5 माइनस में रूट 5 अपॉन पे 2 हो जाएगा ठीक है। तो 3√5 और रूट 5 कितने हो गए हमारे पास ये हो जाएगा 4√5 अपॉन पे 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा तो x आ कितना x आ गया 2√5 निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना 3√5 में से 1√5 गया तो 2√5 होगा अपॉन पे 2 कट गया कितना आ गया x आ कितना √5 निकल के आ गया। √5 एंड 2√5 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फाइंड एन एपी हुज फोर टर्म इज 9, फोर टर्म की तरह हम लोग को 9 फोर टर्म वाला कितना होता है a प्लस में 3d दे रखा कितना 9 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है सम ऑफ 6 टर्म, 6 टर्म का और 13 टर्म का जो सम है वो दे रखा कितना 40 दे रखा है, a 6 का मतलब कितना हो गया
ए प्लस में 5d हो गया, 13 वाला कितना हो गया ए प्लस में 12d हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 40, ए ए 2a हो गया, और 12 और 5 17 हो गया 17, d इक्वल टू कितना हो गया 40 निकल के आ गया, इक्वेशन में कितना हो गया 2 निकल के आ गया, यहां से a इक्वल निकालो, a कितना हो गया 9 माइनस में 3d हमारे पास a निकल के आ गया, जो a की जो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो क्या बोला 2a बोला है, ठीक है, तो a कितना हो गया 9 माइनस में 3d हो गया और प्लस में 17d इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है, तो 9 टू 18 माइनस में 6d प्लस में 17d इक्वल टू कितना हो गया 40 निकल के आ गया, तो आ गया 18 माइनस का 6 और 17 कितना हो गया 11 ना 11d इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस में 18 हो गया, ठीक है, तो 11d इक्वल कितना आ गया 22 निकल के आ गया, राइट 22, हां तो d कितना निकल के आ गया वो निकल के आ गया आपका 2 निकल के आ गया, अगर d 2 तो ये कितना आएगा a आ जाएगा 9 माइनस 3 * 2 तो a निकल के आ गया 9 माइनस में 6 तो a कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, a 3 है और d कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया बस, ठीक है, तो मैं क्या निकालती ap निकालनी, अब ap क्या होती है आपको पता है ap इक्वल टू क्या होता है ap होता भैया a होता है a प्लस में d होता है और a प्लस में 2d होता है, इस तरह से हमारे पास ap होती है, ठीक है, तो a कितना निकल के आया 3 आ गया, a प्लस d 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5 आ गया, a प्लस 2d 3 प्लस में 2d 4 7 तो 3 बाय, इस तरह से हमारे पास ap निकल के आ जाएगा, बोलो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आती है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, in given figure a triangle pqr drawn to circumscribe a circle of radius 6 cm okay ye 6 cm rakha hai such that the segment qt and tr which is divided by t length bar or not is triangle pqr ka area rakha 189 to hum yahan likh sakte hain ki area of triangle pqr de rakha kitna 189 cm ka square theek hai matlab agar ye de rakha iska matlab hame pehle iska area nikalna padega bhaiya tab ye kaam banega और इसने बोला लेंथ दे रखा कितना 12 ये क्यूटी दे रखा हमें कितना 12 सेंटीमीटर ठीक है और ये दे रखा हमें कितना 9 सेंटीमीटर हम लोग को दे रखा है अच्छा ये टेंजेंट अगर ये 12 तो भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा कहां तक यहां तक ठीक है अच्छा ये 9 तो ये भी कितना होगा यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर ही होगा ठीक है इसे एक्स मान लो भी कितना एक्स देगा इसे बांटो तीन पोर्शन में कैसे कैसे टिक 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 इससे ये हो गया ये क्वेश्चन ऐसा से हो गया और इसको जोड़ दो ऐसा से तो यहां पर तीन ट्रायंगल अब यहां पर आप पूछू मैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालो आपके बोलोगे सर बहुत इजी है तीन ट्राइंगल बट गया एक दो तीन तो क्यू ओ आर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा क्यू ओ आर प्लस में फिर पी ओ आर प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा पी ओ आर फिर प्लस में ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा पी ओ क्यू पी ओ क्यू ठीक है समझ आया ठीक है अब ये दे रखा कितना 189 ये दे रखा हमें 189 दे रखा है क्यू ओ आर क्यू ओ आर अब देखो यहां से जब भी सर्कल सेंटर में टच करता है रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये परपेंडिकुलर होता है हमें पता है ये 90 होगा सेम ऐसे इसकी हेड ये भी कितना होगा 90 होगा सेम ऐसे ये भी कितना होगा ये भी होगा वहां पर 90 होगा इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस कितना है 12 प्लस 9 और हाइट कितनी है OT दे रखा ठीक है हम बोलेंगे हाफ इनटू बेस बेस कितना है 12 प्लस 9 कितने होते हैं 12 प्लस 9 कितने हो गए 12 प्लस 9 12 प्लस 9 कितना हो गई 12 12 प्लस में 9 होते हैं 21 हाइट 21 ना तो मल्टीप्लाई 21 इनटू हाइट कितनी है इसकी 6 दे रखी है प्लस में एरिया ऑफ POR POR का एरिया निकालो तो हाफ इनटू पर बेस कितना है बेस हो गया इसका x प्लस में 9 तो x प्लस में 9 इनटू हाइट कितनी है हाइट तो 6 है फिर प्लस में ऐसे इसका भी तो हो जाएगा हाफ इनटू बेस कितना है बेस हो गया x प्लस में 12 x प्लस में 12 इनटू हाइट कितनी है उसका 6 हो गया अगेन तो 189 इक्वल टू हो गया 2 3 या 6 हो गया और 63 प्लस में 2 3 या 6 3x प्लस 27 3x में 9 कितना 27 हो गया और प्लस में 2 3 या 6 3x प्लस में 36 3x प्लस में 12 या 36 हो गया ठीक है 189 बराबर हो गया 27 36 63 तो 27 पे 36 ऐड करेंगे और 63 ऐड करना ठीक है 27 36 और 63 सो ये देखो 16 और 6 12 126 हो गया तो 126 प्लस में कितना हो जाएगा ये 6x हो जाएगा तो 6x इक्वल हो जाएगा 189 माइनस 126 6x इक्वल हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 18 में से 2 गए 6 9 6 गया 3 18 में 2 गए 6 तो x कितना आ गया x आ गया कितना 63 अपॉन में 6 आ जाएगा तो 3 2 6 और 3 2 6 3 1 3 तो x आ कितना 10.5 निकल के आ जाएगा 10.5 x इक्वल निकल के आ गया हमें क्या निकालना था वो सुनो हमें निकालना था साइड PQ निकालना है PQ PQ का है PQ तो PQ निकाला कितना आएगा वो x प्लस में 12 जो कि आ गया हमें कितना 10.5 प्लस में 12
जो क्या है कितना 22.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दूसरा क्या निकाला हम लोग को PR, PR क्या है x प्लस में 9 है, निकाल दो यहाँ पर, तो PR इक्वल कितना है x प्लस में 9 मतलब 10.5 प्लस में 9 जो कि आ गया 19.5 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये आप याद रख सकते हो इसे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट, इसे आप बस इसे दिमाग को कुछ चीजें ना दिमाग में रखना, ये दिमाग में आप रख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिले ना आपको कि जो लगे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके ना एक अलग सी पत्ती सी कॉपी बनाओ जिसमें आपको ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगा कि हाँ भाई ये नया सीखा मैंने अलग सा, तो उसको नोट करते चलो ताकि एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम है, हाँ एग्जाम्पल में तो पूरा एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। Draw a pair of tangent to a circle of radius 3 cm, which are inclined to each other at 60 degree. तो बहुत ही important question है, तो आइए समझते हैं इसे कैसे करना है। और इसका और portion भी दे रखा है, right triangle, देखो triangle remove हो गया, ये हमें नहीं करना, ये delete हो चुका आपके उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो question हमारे पास, ये tangent बनाने वाला ये है, तो आइए देखते हैं इसका फटाफट से copy पेन में किस तरह से diagram बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर, एक हमने क्या करना है, पहले एक सर्कल बनाना है, उसका रेडियस कितना हो 3 सेंटीमीटर हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको नाप लेते 3 सेंटीमीटर ऐसे, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक सर्कल 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, नाम दें सेंटर कहाँ गया भाई इसका, सेंटर ये हाँ ये छोटा सा इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला हुआ यहां पर कि टेंजेंट बनाना है जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, मतलब जो है हमें टेंजेंट ड्रॉ करना जो कि यहां पर जो एंगल बना कितना हो 60 डिग्री का। आपको पता है देखो यहां पर हम 60 बना नहीं सकते हवा में, ठीक है। अगर यहां पर 60 ये जो एंगल बनता है टेंजेंट पे और जो सेंटर पे एंगल बनता है इस तरह से, आपको इस तरह से, ठीक है। आपको पता है क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो अगर ये 60 का सेंटर में कितना एंगल बनेगा 120 बनेगा, तो सेंटर में पहले 120 डिग्री का एंगल हम लोग बना लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने करेंगे इस तरह से, हमने बना लिया ये एक लाइन खींच ली कोई सी भी, हम क्या करेंगे सेंटर में 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। और 120 डिग्री कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे पहले ऐसे लिखेंगे और ये खींचा इस तरह से, ठीक है। तो पहला जो आर्क होता है वो कितने का होता है 60 का, और फिर दूसरा आर्क कितने का होता है हमारे पास, वो होता है 120 का इस तरह से, ठीक है। तो 120 हो गया हमारे पास, और इसे जोड़ देंगे, तो जो भी आपका एंगल होगा, ठीक है, तो वो तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते बाहर वाला, तो हम क्या करेंगे ये वाला सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट एंगल निकाल लेंगे। अब आपको पता है ये जो होता है ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से टेंजेंट जाएगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है 90 डिग्री का होता है टेंजेंट से, ये भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। चलो 90 डिग्री का फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खींचे हमने इस तरह से एक आर्क, ठीक है, और पहला आर्क कितने का होता है, पहला आर्क 60 डिग्री का, फिर दूसरा आर्क हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 120 का, ठीक है। और फिर 90 और 120 की मदद से इस तरह से हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री हमने बना दिया, ठीक है। अब सेम काम क्या करेंगे यहां से करेंगे, तो फिर से वही यहां पर कंपास रख के इस तरह से, तो एक आर्क इस तरह ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर पहला एंगल कितने का 60 का, दूसरा 120, ओहो ये गलत हो गया, दूसरा 120 है, और फिर 120 से इधर और ये लेके ये हो गया, ठीक है। तो हमने खींच दिया दोनों 90 बन गया, अब हम क्या करेंगे इसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया इस तरह से, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर ये वाला चलो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया O, ये मान लेते हैं हम लोग A मान लेते हैं, इसे B मान लिया हम लोगों ने, और ये पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल कितना हमारे पास, ये वाला एंगल अपने आप 60 डिग्री बन गया होगा, आप चाहे तो नाप सकते देख सकते हो बना के, ठीक है। और ये वाला कितना हो गया 120, तो कभी भी हम लोग ये वाला एंगल बना नहीं सकते, तो अगर ये वाला एंगल हमें बनाना है, ठीक है, तो टेंजेंट पे जो एंगल बन रहा होता है वो हमने नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे उसका सप्लीमेंट्री एंगल लेके हम सेंटर पे उतना एंगल बना देंगे, और ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री बना के जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो 60 डिग्री अपने आप ये आपका बन जाने वाला। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, और जो ट्रायंगल वाला वो तो हट ही चुका आपके सिलेबस से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर।
कह रहा अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। देखो ये हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर एक कॉर्ड है और ये सेंटर है, और ये जो कॉर्ड जो है ना सेंटर में जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, हमें ये चीज निकालना। तो मुआ रखो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो सेंटर में जो एंगल बनता है 120 बनता है, 60 बनता है और 90 बनता है, 120 बनता है, 60 बनता है, 90 बनता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 120 वाला, ये आपके पोर्शन से रिमूव हो चुका है, आपको 60 90 वाला करना है, लेकिन 120 वाला याद रखना नहीं करना है। और एक्सरसाइज नोट कर लो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है शायद, तो वो रिमूव हो गया, आपके एग्जाम पे नहीं आने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट इतना। फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ते ही क्वेश्चन भी काट दो, क्यों? ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है पॉइंट पी एक्स लाई ऑन अ सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी कर देते सब, तो ए दे रखा है एक पॉइंट, ठीक है, और ये दे रखा हमें कितना बी -5, a दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा 4, माइनस का 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है P, वो दे रखा है x, 4 दे रखा है, ठीक है। अब ये किस तरह से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो भी निकालना है और x के लिए फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, k रेशियो 1 हो गया, जहां पर आपको होता है k क्या होता है, k होता है m1 अपॉन बाय m2, ठीक है, k रेशियो 1 मान लिया मैं, ठीक है। और देखो जादू, तो आपको होता है ये m1 हो गया, ये हो गया m2, ये हो गया x1, हो गया y1, हो गया x, हो गया y, हो गया x2, हो गया y2। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला पहले रेशियो निकालते हैं, y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, होता है m2 y1 प्लस में m1 y2, ठीक है, अपॉन पे क्या होता है m1 प्लस में m2 होता है, ठीक है। y कितना रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू m2 कितना है, m2 दे रखा है 1 * y1 कितना है 8 हो गया, प्लस में m1 कितना है k दे रखा है, y2 कितना रखा है माइनस का 10 हो गया, m1 प्लस में m2 हो जाएगा k प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ऐसे करके कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई k प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 8 और माइनस में 10 के हो जाएगा, तो 4k प्लस में 4 इक्वल हो जाएगा 8 माइनस में 10 के, ठीक है। तो 4k प्लस में 10 के इक्वल हो जाएगा 8 माइनस में 4 हो जाएगा 14k इक्वल हो जाएगा कितना, 4k कितना हो जाएगा 4 अपॉन पे 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। तो k कितना निकल गया, k आ गया 2 अपॉन पे 7, और k क्या होता है m1 अपॉन m2, तो m1 रेशियो m2 जो है कितना निकल के आ गया 2 रेशियो 7 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारे पास केस ने बोला फाइंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब x क्या होता है सेम ऐसी m2 x1 प्लस में m1 x2, ठीक है, अपॉन पे m1 प्लस में m2 यही होता है। अब x इक्वल टू m2 कितना हमारे पास, m2 दे रखा 7 निकला अभी हमारा, x1 कितना है, x1 निकला हमारे पास माइनस का 5, ठीक है, और प्लस में m1 कितना निकला है वो निकला 2, ठीक है, इनटू पर x2 कितना निकला हमारे पास, x2 दे रखा कितना 4, ठीक है, अपॉन पे m1 प्लस में m2, तो 2 प्लस 7 कितना 9 हो गया, तो x आ गया कितना 7 5 35, और 4 2 8 अपॉन पे 9, 35 में से 8 गया 27 आ गया अपॉन पे 9, 9 3 27 माइनस का 3 निकल के आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3 निकल के आ गया, और रेशियो आ गया 2:7 इज द राइट आंसर। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज वर्टेक्स आर दिस 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 दिस, और मैं क्वेश्चन दे रखा है इसके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म रहा, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके पोर्शन से रिमूव हो गए। 7.3 जो एक्सरसाइज है वो आपके एक्सरसाइज इस बार पेपर में नहीं आ रहा है, वो रिमूव कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग के आपके एग्जाम पे नहीं आने वाले। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 27, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये हमारे पास मान लो ए बी एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार, दो कार है, एक येरा एक कार येरी, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच विद द बेस ऑफ द टावर आर एट इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 और 60। एक वाला एंगल फाउंड हुआ 45 डिग्री पर, एक को फाउंड किया गया 60 डिग्री पर, ठीक है, ओके। इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, सो दोनों कार जो है वो 100 मीटर जो है एक दूसरे दूरी पर है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकाले, मान लो टावर की हाइट एक्स मान लेते हैं, ये मान लिया वाई, ठीक है, और ये मान लिया सी, मान लिया डी, ठीक है। दो ट्राइंगल लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल कौन सा पहले, ए बी सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, दो ट्राइंगल ले लो भैया, दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, अपना काम बन गया। एबीसी में करते हैं पहले, हमें पता ए बी अपॉन बी सी कितना हो गया, ए बी अपॉन बी सी कितना 10 हो गया, एंगल कितना 60, ए बी कितना रखा हमें, ए बी रखा है एक्स, और बी सी कितना हो गया वाई, 10 60 कितना √3, तो आ गया एक्स इक्वल टू आ गया कितना वाई √3 निकल के आ गया। इसका कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, इक्वेशन मान के छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी के ऊपर, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी तो है, उसमें फिर ए बी अपॉन पे बी डी
इक्वल टू कितना 10, एंगल कितना 45 डिग्री है, ए बी कितना है x, बी डी कितना हो गया, ये है वाई, ये है 100, तो बी डी कितना हो गया वाई प्लस में 100, तो वाई प्लस में 100 हो गया, इक्वल टेन 41 होता है, नीचे हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, आ गया y प्लस में 100 निकल के आ जाएगा, और x का क्या लिखा है यहाँ पर, हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर, x निकालना, और हमें y की जगह कितना आ गया, y इक्वल टू गया हमारे पास, ओके x आ गया y रूट 3, तो y रूट 3 ठीक है इक्वल हो गया y प्लस में 100 हो जाएगा, तो ये जाएगा y रूट 3 माइनस में y इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो यहाँ y कॉमन कर लेंगे कितना आएगा, रूट 3 माइनस में 1 इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा, और y आएगा कितना 100 अपॉन पे रूट 3 माइनस 1, इसको करना पड़ेगा क्या, रियलाइज करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं ठीक है, ये हो गया, तो y इक्वल टू कितना लिखा हमें 100 अपॉन पे रूट 3 माइनस में 1, रियलाइज हो गया रूट 3 प्लस में 1 अपॉन पे रूट 3 प्लस में 1, जो कि आ गया 100 रूट 3 प्लस में 1 अपॉन पे एक ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया, इसको रास्ता दो भैया यहाँ कर लेते हैं, तो आ गया 100 इंटू पर रूट 3 प्लस में 1 अपॉन पे 2, ये हो गया कितना 50, तो वाई कितना निकल के आ गया, आ गया 50 इंटू पर रूट 3 प्लस में 1 मीटर, क्या हमें वाई निकालना था, हमें वाई नहीं निकालना था, हमें निकालना था एक्स, एक्स क्या है वाई रूट 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल कितना, एक्स इक्वल वाई रूट 3, तो 50 रूट 3 इंटू पर रूट 3 प्लस में 1 जो है मीटर, ये आपका निकल के आ गया, अब ये हमारे पास क्या है, इसने बोला है सॉल्व भी करना है, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये 50 रूट 3 को करेंगे कितना निकल के आएगा, ये 50 रूट 3 रूट 3 150 हो गया, और प्लस में कितना आ जाएगा, ये 50 रूट 3 आ जाएगा ठीक है, रूट 3 दे रखा है 1.73, अब क्या करना है, इसको 1.73 लिखेंगे, तो एक्स निकल गया कितना 150 प्लस में 50 इंटू पर 1.73, तो 1.73 को 50 से करेंगे, ये एक काम करो यार, इसे थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर, तो लेन दो कर लो, तो 1.73 को 50 से करना है ठीक है, 5 3 15, 7 5 35 36, 5 3 5 3 8 ठीक है, तो ये जगह कितना 1 86.5 आएगा, तो उसमें 150 ऐड करना है, तो 150 ऐड कर दो कितना आएगा 0.5685 13, तो 236.5 समथिंग आएगा, तो x इक्वल कितना गया 236.5 मीटर, राइट मीटर निकल के आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है, तो ये देखो चैप्टर 9 में बहुत इजी होता है, देखो चैप्टर 9 में क्या एक क्वेश्चन 4 मार्क्स आना ही आना है ना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, बुक में 15 क्वेश्चन है, बाकी मैंने एग्जांपल में करा रखे हैं, प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, स्कोरिंग होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 डियर आपकी स्क्रीन के ऊपर, टू डाइस आर रोल्ड वंस, दो डाइस को फेंका जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12, जब हम दो डाइस को फेंकते हैं तो 36 आउटकम्स आते हैं, आपको पता ही है, ऐसे 1 1 हो गया है ना, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया ठीक है, फिर ऐसे 1 4 हो गया ठीक है, फिर 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, इस तरह से हमारे पास आते रहते हैं, 2 1 2 2 3, टोटल जो होते हैं 36 आउटकम्स होते हैं ठीक है, कह रहा प्रोडक्ट आना चाहिए 12, प्रोडक्ट 12 कब कब आएगा, वो आएगा 2.6 पे, 6.2 पर, 3.4 पर और 4.3 पर, इसमें प्रोडक्ट जो है 12 निकल के आएगा, ये फेवरेबल होगा, फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो ये होंगे हमारे पास, कितने 4 होंगे ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोडक्ट किसकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोडक्ट किसकी 12 की ठीक है, तो निकल गया कितना 4 अपॉन 12 कितना होता 36 आएगा, 1 अपॉन पे 9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 12, क्लियर है, अब हम चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये रहा, अच्छा इसका और क्वेश्चन भी है, तो और क्वेश्चन कर लेते हैं, अ बॉक्स कंटेन 50 डिस्क विच आर नंबर 1 to 80, तो 1 2 3 ऐसे करके 18 डिस्क रखे हुए, नंबर लगा के रखे हुए, एक डिस्क उठाया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कौन कौन से होंगे, देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर है और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 हो गया ठीक है, 16 हो गया ठीक है, और 25 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 49 हो गया, 49 56 हो गया, नहीं 64 हो गया ठीक है, 9 81, इतने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 64 8 ठीक है, कितने होंगे 1 2 8 नंबर निकल के, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सी परफेक्ट स्क्वायर की, तो परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे पास है वो क्या निकल के आएगा हमारे पास 8 अपॉन 12 कितना हो गया 81 अपॉन पे 10 होगी प्रोबेबिलिटी उसके परफेक्ट स्क्वायर निकलने की, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी भी स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी कुछ देखो अगर कोई बच्चे ऐसे है ना जिनको लगता है कि सर देखो हमें ये 12 चैप्टर मुश्किल लगता है 13 मुश्किल लगता है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में आराम से आप 50 से लेकर 70 तक स्कोर कर सकते हो, अगर आप 12 13 को छोड़ भी दो, ट्रिग्नोमेट्री को भी छोड़ दो तब भी आप कर सकते हो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी में हम देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक देखिए हमें 4 मार्क्स के हमारे पास है,
कह रहा है प्रूफ दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो है आपके क्या है, ये थ्योरम है 10th चैप्टर का। क्या ये थ्योरम दे रखा है 10th चैप्टर का, और मैंने सर्कल्स में इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बता रखा है। तो ये थ्योरम जो है मैं यहाँ पर नहीं कराने वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये आपने या तो वहां पर देख सकते हो, फिर ये तो आपको थ्योरम याद होगा, बुक में भी आपके दे रखा, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 8 and 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है 8 हो गया, लास्ट टर्म an होता कितना दे रखा है, वो 350 दे रखा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दे रखा कितना हम लोग को 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, n कितना होगा और सम sn कितना होगा, हम लोग को निकालना, ठीक है। ओके 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 ओके, तो पहले n निकालते हैं। हमें पता an कितना होता है, an होता है a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या होता है, d होता है, ठीक है। अब an कितना रखा है, 350 दे रखा है, इक्वल टू a कितना रखा है, 8 दे रखा है, इनटू पर n माइनस 1 इनटू d कितना रखा, हम लोग को 9 दे रखा है, ठीक है। तो 350 माइनस में 8 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 9 हो गया। अब 350 में से 8 गए कितना आएगा, 342 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है, तो 342 अपॉन पे 9 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, तो आ जाएगा कितना, 9 27 9 8 9 8 9 27 बचा 4 3 7 8 9 7, ठीक है। 38 प्लस 1 कितना हो गया, n हो गया, n कितना निकल गया, आ गया 39 निकल के आ गया, ठीक है। अब सम निकालना, सम क्या होता है, sn होता है हमारे पास n अपॉन पे 2, शॉर्टकट मारो a प्लस में an हो गया, n कितना आ गया 39 अपॉन पे 2, a कितना हमारे पास, a हो गया 8 प्लस में an कितना है, 350 है, तो देगा कितना 39 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई का कितना, 358 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं फटाफट से बड़े तरीके से, तो जाएगा 2 1 2 2 7 42 9 18 2 1 2 2 7 42 9, ठीक है। अब 179 को 39 से करना, 179 को 39 से मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81, 7 9 63, 7 9 कितना होता, 7 9 हो गया 63, ठीक है। 63 63 और 7 हो गया 70 71, 9 1 9 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। और ये हो गया कितना, 9 3 27, 2 और 7 हो गया, 7 3 21 24, 7 21 22 23 हो गया, और 3 1 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो हो गया 1 8 9 6, आ गया 6 9 8 1 जो है, ऐसा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका और पोर्शन देखा और भी देख लेते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250, 10 से 250 के इसमें कितने 4 के मल्टीपल आएंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एपी बनानी पड़ेगी। तो 10 के पहला नंबर कौन सा था, 12, फिर क्या आएगा हमारे पास 12, फिर आएगा 16, है ना, इस तरह से चलता रहेगा ये, और लास्ट होगा 248, ठीक है। एपी बन गया एपी, तो हमें निकालना कितना, हाउ मेनी नंबर्स, कितने एन निकालना और सम भी निकालना है, एस में निकालना है और एन में निकालना है। तो पहले ए कितना हो गया 12, ठीक है, डी कितना हो गया 16 माइनस में 12 कितना आ गया 4 आ गया, एन कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 248 आ गया। हमें एन भी निकालना है और क्या निकालना है, एस में निकालना है। हमें पता है एन क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। एन कितना आ गया, हो गया 248 इक्वल टू ए कितना है 12 हो गया, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 4 हो गया। तो 248 माइनस में 12 इक्वल टू कितना हो गया, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया। तो 8 में से 2 हो गया 6 आते हैं, 4 में से 1 गया 3 आएंगे, तो 2 अपॉन में 4 इक्वल टू हो गया एन माइनस 1, काटेंगे कितना आएगा, 4 5 20 3 4 9 36 इक्वल हो जाएगा एन माइनस 1, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एन, एन कितना आ गया 60 निकल के आ गया। ऐसा निकाला, शॉर्टकट मारो n अपॉन पे 2 a प्लस में an हो गया, a प्लस में an हो गया, ठीक है। तो 60 अपॉन पे 2 a कितना हमारे पास 12 और प्लस में an कितना हमारे पास 248 हो गया, ठीक है। तो जगह कितना 30 मल्टीप्लाई कितना जगह 48 से 12 60 आएगा ना, हां 260 आ जाएगा, ठीक है। तो जगह कितना 3 6 18 और 3 6 7 7 8 0 0, ये सब निकल के आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो यार, तो करना बहुत जरूरी, 260 30 30 30 30 0, ठीक है। तो सम कितना निकल गया, एस एन ये निकल गया, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट टाइम। देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी लगते हैं, बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, और
और भी कोई ऐसे बच्चे इनको ऐसे क्वेश्चन इजी लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो और ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर तय करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कहीं स्पीड चेंज नहीं कर रहा अपनी। अगर बाद में फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को इतना बढ़ा दिया जाए, जाहिर सी बात है स्पीड को अगर बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, तो एक घंटा समय कम लगता है। स्पीड बतानी बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से करना है, ध्यान से कैसे करेंगे। देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखा आप लोग कितना 180 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं पहले केस वन की, ठीक है। अब टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा, तो मान लेते हैं पहले टाइम लगा था टी आवर, ठीक है, समय आप ऐसे करना है, और इसकी स्पीड जो है निकालने मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम को रखना है, टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो टाइम कितना रखा है टी रखा है, डिस्टेंस कितना है 180, स्पीड कितना रखा है एक्स हो गया, ये हो गया टी इक्वल टू 180 अपॉन एक्स, इसे इक्वेशन वन मान के यहां पर छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर टू पर, केस टू पर अब बोल रहा है डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस अभी भी कितना है 180 किलोमीटर ही है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, स्पीड जो है 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया है, तो स्पीड जो है हमारे पास पहले के मुकाबले, पहले कितना था स्पीड x था, तो अब बढ़ा दिया 9, तो x प्लस में 9 किलोमीटर पर आवर हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और टाइम ऐसा करने से टाइम एक घंटा कम लगता है पहले के मुकाबले, टाइम पहले टाइम कितना था t था, अब एक घंटा कम था t माइनस वन लगता है, इतना आवर लगता है, ठीक है। इस केस में भी सीधा हमें पता है टाइम इक्वल टू कितना होता है, टाइम कितना रखा है टी माइनस वन, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड कितना है एक्स प्लस में 9 हो गया। अब टी के लिए कितनी 180 अपॉन पे x, तो यहां पुट कर देंगे तो 180 अपॉन पे x माइनस से 1 इक्वल कितना हो गया 180 अपॉन पे x प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 वहां जा रहा है ये इधर आएगा, 180 अपॉन पे x माइनस में 180 अपॉन पे x प्लस में 9 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। तो 180 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन पे x माइनस से 1 अपॉन पे x प्लस में 9 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 180 कर लिया और ये आएगा कितना x प्लस में 9 माइनस में x अपॉन पे x स्क्वायर प्लस में 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे खत्म हो गया, ठीक है। 180 को 9 से कितना 9 0 0 0 नहीं 0 और 8 9 जे 72 ये आएगा 2 और 9 हो जाएगा 9 और 7 16 राइट 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन पे x स्क्वायर प्लस में 9x इक्वल टू 1 अपॉन 1 cos वाला करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 1620 इक्वल टू 0 ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको सॉल्व करना अपना काम बन गया, x को निकालना है। उसके लिए हमें देखो पहले ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, मिडल स्पीड से भी कर सकते हो, ऐसे आंसर मिडल स्पीड से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो 1620 को पहले हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 28 जा 16 210, ठीक है। 24 जा 805, ठीक है। 31 जा 3 39 35 जा 50, ठीक है। और 34 जा 12 35 जा 15, ठीक है। और 31 जा 3 35 जा 15, ठीक है। 35 जा 15 और 51 जा 5, ठीक है। दो दुनी चार, चार तीन बारह, बारह तीन 36, ठीक है। 36 कर लो अलग और तीन तीन 45, 36 और 45 का डिफरेंस 9 एग्जैक्टली जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों, कोई जल्दीबाजी नहीं, तो हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1620 आना चाहिए और वैसे 9 आना चाहिए, तो काम बन गया। कैसे काम बना, 45 मल्टीप्लाई माइनस का 36 और 45 माइनस का 36 बन गया काम, जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 45x माइनस में 36x माइनस 1620 x कौन करेंगे x प्लस में 45 हो जाएगा माइनस में 36 कौन करेंगे x प्लस में 45, ठीक है। तो x प्लस में 45 एक तरफ कर लो और x माइनस में 36 एक तरफ कर लो इक्वल टू 0, यहां से x कितना आ गया माइनस का 45 आ गया और यहां से x कितना आ गया 36 निकल के आ गया, ये वाली कट नेगेटिव तो नहीं होगी, स्पीड स्पीड कितनी आ गई हमने क्या माना था x माना था, तो स्पीड जो हो गया 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 36 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसका और मैं क्वेश्चनों भी देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर सेम ही कह रहा है क्या निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द निकाल, बहुत सिंपल है। तो 1 अपॉन पे 2x प्लस माइनस में 3 है और प्लस में 1 अपॉन पे x माइनस में 5 इक्वल टू 1 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले अगर x माइनस में 3 3 नहीं 5, देखो चेक करते चलना गड़बड़ी ना बहुत ज्यादा करता हूँ आजकल ऐसी चीजों में ना, तो ये जाएगा हमारे पास कितना x माइनस में 5 और प्लस में कितना आएगा 2x माइनस में 3 और अपॉन में कितना आएगा 2x माइनस में 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा ये x माइनस में 5 इक्वल कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x और 2x कितना हो गए 3x माइनस में 8 अपॉन पे कितना जाएगा ये जाएगा 2x लिखेंगे फिर लिखेंगे x माइनस में 5 माइनस का 3 लिखेंगे लिखेंगे x माइनस में 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस में 8 इक्वल टू कितना जाएगा ये जाएगा 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 3x प्लस में 15 हो जाएगा,
जाएगा कितना, सबको वहां लेके जा रहा हूँ, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 13x माइनस में 3x प्लस में 15 और प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर माइनस में 13, 13 कितना होता है 13, 3 सॉरी 16x, 15 और 8 कितने 23 इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे, ये बने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसको करेंगे सिंपल सा सॉल्व, इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म से। तो हमें पता है कि अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से, तो a कितना निकल के आ गया 2, b कितना आ गया माइनस का 16 और c कितना निकल के आ गया 23। तो मतलब d इक्वल क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, मतलब b स्क्वायर मतलब माइनस 16 का स्क्वायर माइनस में 4 into a कितना हो गया 2 into c कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, 4 × 8 = 23 स्क्वायर से करेंगे 24 184, ठीक है। तो देखा कितना 6 × 4 = 2 और यह कितना 72 निकल गया डी, ठीक है। पॉजिटिव दो अलग अलग होंगे, एक्स क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन पे 2 ए होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, इसको मिटाया मैंने, ठीक है। तो एक्स इक्वल आ गया माइनस का बी, बी कितना भाई माइनस 16 प्लस माइनस रूट में डी और रूट में 72 आ गया अपॉन पे 2a, a कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। तो आ गया x इक्वल टू आ गया 16 प्लस माइनस 72 को लिख सकते हैं 2 मतलब 36 का 6 बार, तो 6 रूट 2 हो गया अपॉन में कितना आ गया 2 4 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा एक बार प्लस में, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन किया तो आएगा कितना 8 प्लस माइनस 3 रूट 2, ठीक है, अपॉन पे 4, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो एक बार x ले लेंगे प्लस में, तो 8 प्लस में 3 रूट 2 अपॉन पे 2 हो जाएगा, और माइनस में लेंगे एक बार x इक्वल टू जाएगा 8 माइनस में 3 रूट 2 अपॉन पे 2, ये निकल के आएगा 2, वैल्यू निकल के आ गए, ठीक है, सिंपल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5, ये सर्कल है एक, ये सर्कल है एक सर्कल है, इसको जोड़ते हैं पहले इस तरह से और इस तरह से, नाम इसका सेंटर ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, ठीक है। ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, टोटल कितना हो गया 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। फाइंड द एरिया एनक्लोजमेंट, तो हमें ये वाला एरिया है इसे निकालना, सिंपल है, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्यों 3.5, ये भी 3.5, 7 हो गया 3.5 3.77, तो हमें पता चल गया एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एंगल ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, सी 3 और 6 निकल गया, ठीक है, सिंपल है। तो एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा वो निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस में एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स, ठीक है। इक्विलेटरल फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3 अपॉन 4 इनटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 3.5, ये 3.5 ये हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, एक सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है थीटा अपॉन बाय 360 मल्टीप्लाई पाई इनटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5 इनटू 3.5, ठीक है। तो रूट 3 अपॉन पे 4 इंटू पे कितना 49 माइनस में 3 हो गया, ये कितना 1 अपॉन पे 6 मल्टीप्लाई 75 0 पॉइंट कितना जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और 22 इंटू 5 कितना 11 इंटू पर 3.5 इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है, सही ना, ये कट गया 1 अपॉन 6 आ गया और ये 5 से कट गया 7 से, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 भी निकल गया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो निकल गया कितना आपस, रूट 3 कितना होता है 1.73 होता है, 1.73 मल्टीप्लाई 49 अपॉन पे 4 माइनस में 3 टू 6 हो गया, 1 अपॉन होता 0.5 हो गया इनटू पाई 11 इनटू 3.5 निकल के आ गया, इसे कर दे बराबर कितना है 1.73 और मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। तुम्हें खुद से करना है कि तुम फायदा उठाना, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ, तुम्हें खुद से करना 1925 माइनस में उसके क्या 0.5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 या कितना 19.25, ठीक है, जो कि हो जाएगा माइनस में 21.1925 या कितना 1.9425 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है एरिया निकल के आ जाएगा, सिंपल है। तो
एरिया इक्वल ट्रायंगल में से हमने एरिया 3 सेक्टर माइनस किया तो हमारा अपना काम बन गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, ये आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे देखो सेम ही क्वेश्चन ना एग्जाम्पल में देख लेना, ये सेम ही क्वेश्चन एग्जाम्पल, यही डायग्राम, कुछ नहीं सारे वर्ड्स भी यही है, आपके एग्जाम्पल आए हुए हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं एग्जाम्पल कर लोगे तो हो गया। वॉटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड, ठीक है, इन व्हिच इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इज रिलेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं बताऊं कैसे इजी है। देखो एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, उसमें से पानी जो है बह रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है और बह रहा है क्यूबॉइडल पॉन्ड के ऊपर, ठीक है, और ये कह रहा है बताओ कितने समय बाद जो पॉन्ड का जो पानी वो 21 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, हमें क्या करना है, हमें ये काम करना है कि हमें कितना समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स टाइम बांट लेंगे, चाहे वो एक मिनट हो चाहे एक घंटा हो, फिक्स टाइम पे आपने उस की जो हमारा पाइप है उसमें पानी का वॉल्यूम देखना है और वो वॉल्यूम को उसके ऊपर डालना है, एक, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा तीन। तो इसका जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स होगा, बराबर है वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है उसके अंदर, खत्म। देखो ध्यान से कैसे, जो रेट निकल के आया हमारे पास, रेट मतलब स्पीड जो है वो कितनी रखी हमें, देखा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे देखो सब कुछ मीटर में, तो 15 को इसमें मीटर में कन्वर्ट करो, 15 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, अपॉन पे इसे मिनट में करो आवर को, तो निकल के आया कितना 60 मिनट हो गया, ठीक है, 60 हो गया मिनट, ठीक है, ये हो गया, इससे खत्म हो गया, ये आ गया 2 3 2 6 3 5 15 और ये 2 से खत्म हो जाएगा कितना 50 250, तो 250 मीटर पर मिनट इतना पानी जो है उसके अंदर बह रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड है, क्लियर आता, ठीक है। अब इस कहने का मतलब ये है कि एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर, ठीक है, अगर मैं लेंथ मानना चाहता हूं तो एक मिनट के अंदर लेंथ ऑफ पाइप हम लोग मान सकते कितना 250 मीटर, ये है इसका मतलब, तो एक मिनट के अंदर इतना लेंथ तक पानी जा चुका होगा, ठीक है। डायमीटर देखा, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, और सेंटीमीटर है तो ये देखा 14 अपॉन पे कितना 100, जो कि आ गया कितना 0.14 मीटर, रेडियस कितना देगा, रेडियस होगा 0.07 मीटर हो जाएगा, बोलो दिक्कत, रेडियस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम पानी इकट्ठा था उसके अंदर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन वन मिनट, एक मिनट के अंदर, ठीक है, तो वॉल्यूम, ये क्या सिलेंडर है, सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है, तो पाई कितना होगा 22 बटे में 7 इंटू आर स्क्वायर 0.07 इंटू पर 0.07 इंटू पर हाइट कितनी है, हाइट मतलब लेंथ कितनी है 250, ये निकल के आ गया हमारे पास, एक मिनट के अंदर इतना वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। मान लेते हैं n मिनट के बाद उतना रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, सिंपल, इतना करना था वो काम हो चुका हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे हमारे पास, देखो ध्यान से इस चीज को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे, ये मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, बस हो गया काम, तो चलो ये देखो से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो n टाइम मान के चलो n मिनट लगते हैं, तो n मल्टीप्लाई 22 अपॉन पे 7 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 250 इक्वल टू, इसका क्या होता है वॉल्यूम, l इनटू b इनटू h, l कितना रखा हम लोग को 50, b कितना रखा हमें 44, h कितना है 21 सेंटीमीटर मीटर का उठेगा 21 अपॉन पे 100, ये x के वॉल्यूम में रखा था, ठीक है, और ध्यान से 22 तो नहीं, ठीक है, इसको हटाया नीचे 100 आया, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 7 से 7 भी गया, ठीक है, अब क्या हुआ इससे खत्म, ये हो गया 5, ठीक है, 5 हो गए। अब क्या करेंगे, n इक्वल क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन पे 0.07 मल्टीप्लाई 5 हो गया, इसको हटाया ऊपर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 5 से काटा 5 दो 0, ठीक है, और 7 से काटा 7 या 21 3 दो 6 12 120 मिनट लगेंगे भैया, 120 मिनट कितना होता है 2 घंटे, तो 2 घंटे के ऊपर जो है 21 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल पहुंच जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन इस पेपर के 34 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एक पॉइंट है टावर दे रखा है ए बी इस तरह से, ठीक है, ये एंगल दे रखा कितना 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल अबव द फर्स्ट,
इस पॉइंट से 10 मीटर ऊपर एक और पॉइंट लिया गया, यहां पर 10 मीटर है, ठीक है, ये मान लो डी थो और ये मान लो सी मान लिया, ठीक है, और ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है, इसे मान लिया, इसे आर मान लो, ठीक है, और ये यहां से एलिवेशन देगा 30 डिग्री, और फाइनल हाइट ऑफ टावर ए बी निकालना, ए बी कितना होगा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, ये पूरा भी वाई हो जाएगा, इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा था दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, काम बन गया अपना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा, पहले काम करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी आर के ऊपर काम करते हैं, ए सी आर के ऊपर, हमें पता है कि ए आर अपॉन पे क्या हो जाएगा, सी आर, ए आर अपॉन सी आर कितना, 10 30 डिग्री हो जाएगा, ए आर कितना एक्स अपॉन सी आर कितना है वाई, 10 30 होता है 1 अपॉन पे रूट 3, तो जाएगा y इक्वल टू जाएगा x रूट 3, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, क्या होगा, ए बी अपॉन पे डी बी इक्वल कितना जाएगा, 10 60 डिग्री, ठीक है, ए बी कितना है x प्लस में 10, तो x प्लस में 10 अपॉन में डी बी कितना है, डी बी देखा y इक्वल 10 60 कितना होता है, रूट 3, तो आ गया x प्लस में 10 इक्वल टू आ गया y रूट 3, और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पता है y कितना x रूट 3 है, तो x इक्वल टू हो गया 10 इक्वल टू x प्लस 10 इक्वल हो गया y कितना गया x रूट 3 इनटू पर रूट 3, तो आ कितना x प्लस में 10 इक्वल टू हो गया 3x हो गया, तो हो जाएगा 3x माइनस में x इक्वल कितना 10, 2x इक्वल कितना हो गया, ये हो जाएगा 10, x कितना आ गया 5 निकल के आ गया, x 5 निकल के आ गया 5 मीटर, हमें बोला गया हाइट निकाला, ए बी क्या है x प्लस में 10 है, तो ए बी इक्वल कितना हमारे पास x प्लस में 10 है, जो कि 5 प्लस में 10, तो ए बी कितना निकल गया, वो आ गया 15 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह से 2011 का हम लोगों ने पेपर को खत्म कर लिया, इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोग डाउनलोड कर लेना कैनिकल के एप्लीकेशन से और उसकी प्रैक्टिस करना, आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 2012 के पेपर को लेके, और लेकिन हाँ उससे पहले इसको खत्म कर देना 2011, जैसे से मैं चला रहा हूं वैसे से आपको खत्म करते चलोगे तो ही मजा आएगा, वरना जो पीछे रह गए वो पीछे ही रह गए। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।